2 के लिए, लेकिन अगर किसी ने भी रिएक्ट सीखना है तो वो आ सकता है, मतलब वो तो मना नहीं है। अच्छा जी, ओके। सो सिंस वी स्टार्टेड लर्निंग नेक्स्ट जेएस, वी हैव बिन यूजिंग रिएक्ट ऑल अलोंग। अच्छा, लेकिन हमारा सारा जो फोकस है वो नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क पे था। अच्छा, तो देखें, बट वी डिडंट स्टडी द स्पेसिफिक्स ऑफ द रिएक्ट लाइब्रेरी अंटिल नाउ। लेकिन अब वील कवर रिएक्ट इन डिटेल, सो यू कैन ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ रिएक्ट वर्क्स विद नेक्स्ट जेएस। सो बाय द एंड ऑफ दिस रिएक्ट पोर्शन, आप होपफुली इतना सीख जाएंगे कि यू विल बी एबल टू बिल्ड नेक्स्ट जेएस एप्स यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स, स्टेट मैनेजमेंट एंड हुक्स। अच्छा, तो मैं रिएक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। रिएक्ट हमने किया था काफ़ी, जो इंट्रोडक्शन है वो लास्ट क्लासेज में मैंने करवाया है, वो होगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक दफ़ा से एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, तो देखें, हमने बार 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 एक डिस्कशन किया है कि जब से रिएक्ट आई है तो जो भी कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड एप्लीकेशंस होती थी वो अब बिल्ड करना कंपैरेटिवली इजी हो गया। अच्छा, तो वो इजी कैसे हो गया है? अच्छा, अभी हम रिएक्ट के सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से डेवलपमेंट इजी हुई है, और अब सारी मॉडर्न एप्लीकेशंस के जो फ्रंट एंड हैं वो रिएक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जो भी बनाते हैं फ्रंट एंड वो रिएक्ट यूज करके बनाते हैं। अच्छा, तो रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। ठीक है, तो रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया था, और क्योंकि फेसबुक ने रिएक्ट को ओपन सोर्स कर दिया था, उसकी वजह से जो रिएक्ट की जो मेंटेनेंस है वो फेसबुक खुद भी करता है, और उस अलावा रिएक्ट कम्युनिटी में इंडिविजुअल डेवलपर्स भी हैं और दूसरी कंपनीज हैं जो सब मिलके मेंटेन करते हैं। अच्छा, तो इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको यूआई कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे यूजिंग अ वीडियो ऑफ जिगसॉ पजल्स, के कैसे हम सारे पीसेस को जोड़कर पजल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी तरह से रिएक्ट कंपोनेंट्स को जोड़कर यू कैन क्रिएट एन एंटायर एप्लीकेशन। अच्छा, आप समझें कि रिएक्ट एप्स आर मेड आउट ऑफ कंपोनेंट्स, एंड अ कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ द यूआई। ठीक है, जैसे कि जिगसॉ के पजल के अलग अलग पीसेस थे और उनको हमने जोड़ दिया था, इसी तरह से हर कंपोनेंट का अपना कोड होता है। अच्छा, और जाहिर है फिर वो अलग लॉजिक होती है, और फिर बात ये फिर यह है कि हर कंपोनेंट की अलग अलग अपीयरेंस होती है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन उन कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया कि उनको आप जोड़कर एक पेज बना सकते हैं। अच्छा, तो आ कंपोनेंट कैन बी एज स्मॉल एज अ बटन और एज लार्ज एज एन एंटायर पेज। तो रिएक्ट आपको यूजर इंटरफेस डेवलप करने देती है, और वो आप सारे इंडिविजुअल पीसेस या कंपोनेंट्स को जोड़ के बनाते हैं। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है? तो आप सोचें कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को देखें तो उसमें सेम कंपोनेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटन्स, और हर बटन सेम स्टाइल का होता है। तो अगर कंपोनेंट्स नहीं होते तो वी वुड हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स वी कैन क्रिएट द बटन वंस एंड यूज इट एनीवेयर एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। तो एंड अनदर बेनिफिट ऑफ रिएक्ट इज दैट इट्स ग्रेट फॉर टीम वर्क। अच्छा, अब टीम वर्क आप उसमें खुद बहुत अच्छे हैं, एक ने असाइनमेंट किया और फिर सबने वही यूज कर लिया, वो वाला टीम वर्क की बात नहीं कर रही हूँ। तो टीम वर्क किस तरह से, कि चाहे आप अकेले काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे या आप डेवलपर्स की पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं,
React components can be developed and combined easily. अच्छा, इसका मतलब यह है कि रिगार्डलेस कंपोनेंट किस डेवलपर ने कोड किया है, आप उसको इजीली अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हो गया कि इट्स ग्रेट फॉर टीम वर्क। अच्छा, फिर उसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिएक्ट इज द वर्चुअल डॉम। अच्छा, तो रिएक्ट से पहले जब ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट होती थी, जैसे कि एचटीएमएल सीएसएस से पेज डेवलप होता था, तो जब भी यूजर इंटरेक्शन से वेब पेज में कुछ भी चेंज होता था तो पूरा ब्राउजर तो पूरा जो जो ब्राउजर था वो पूरा पेज रीलोड करता था। लेकिन रिएक्ट इंट्रोड्यूस द वर्चुअल डॉम, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि पेज में सिर्फ वो कंपोनेंट अपडेट हो जिसमें चेंज आया है, बजाय इसके कि पूरा पेज रीलोड हो। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें, अब हम एक काम करते हैं कि जो रिएक्ट का जो सर ने प्रोवाइड किया था, हम वो खोल लेते हैं। आदिल, आदिल है यहाँ पे? यस समीर, बस एक सेकंड देगा। अच्छा हाँ, रिएक्ट डॉम की अभी हम डिटेल में जाते हैं। मैं ये चाह रही थी कि पहले बेसिक सा छोटा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक से बताएं, ताकि जो लोग एकदम से ना, वरना वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है और फिर वो जो समझ में आ रहा होता है वहां से वो ट्रैक लूज कर जाते हैं। तो हम अभी आते हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस होंगी। Okay, assalamu alaikum everyone. So let's get started with React. अच्छा, जैसे हिरा ने मेंशन किया था अभी कि everything we've been doing with Next.js so far, Next.js के अंदर React built in आता है, right? And if you look at the React website, तो ये यहाँ पर inside of the learning documentation, जब आप installation पे जाते हैं तो द मेन थिंग दे रेकमेंड इज Next.js। तो जैसे आप प्रोडक्शन ग्रेड रिएक्ट फ्रेमवर्क्स पे आएंगे तो द फर्स्ट वन दे रेकमेंड इज Next.js, ठीक है? तो एवरीथिंग वी बिन डूइंग जब से हमने Next.js शुरू किया है, जो भी कंपोनेंट्स आपने डेवलप किए हैं, दे हैव ऑल बिन रिएक्ट कंपोनेंट्स, राइट? बस ये था कि इन द बिगेनिंग हमने Next.js के जो फ्रेमवर्क वाली टेक्नोलॉजी है उस पर ज़्यादा फोकस किया था, और उसका रीज़न ये था कि ताकि आपको पूरे फ्रेमवर्क के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो, एंड देन वी वुड स्विच इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ द रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी, ठीक है? एंड देन दूसरी चीज़ ये भी थी कि रिएक्ट जो है, द न्यू वर्जन ऑफ रिएक्ट has been being updated to work with Next.13 as well. ठीक है, तो Next.13 अब stabilize हो चुका है, and alongside of that, React is also, the latest versions of React are also working well with the new Next framework. ठीक है, तो let's go through this documentation ताकि हमें React का जो रिएक्ट लाइब्रेरी की जो भी डिटेल्स हैं वो हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। एंड अ लॉट ऑफ दिस विल बी रिपीट, क्योंकि ये आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट उसकी जो आई गेस द थ्योरी साइड ऑफ इट वो इनकम्प्लीट था। वी वर काइंड ऑफ जस्ट यूजिंग इट लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, ठीक है? तो पे अटेंशन टू दिस, इट्स इम्पोर्टेंट, और इसमें प्रॉबली यूल लर्न सम न्यू थिंग्स, ठीक है? ओके, सो वी स्टार्ट विद द लर्निंग रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन हियर। अच्छा, सो सबसे पहले हम जैसे जब भी रिएक्ट की बात आती है तो रिएक्ट इज अ यूआई लाइब्रेरी, राइट? हम उसको यूज करते हैं यूजर इंटरफेसेस डेवलप करने के लिए, और जैसे अभी हिरा ने भी बताया कि यूजर इंटरफेस बिल्ड होता है यूजिंग स्मॉल यूनिट्स जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपके बटन्स हो सकते हैं, आपके इमेजेस हो सकते हैं,
anything that is displayed on the web page can be a component, ठीक है? अच्छा, और ये जो components होते हैं ये reusable होते हैं, ठीक है? तो आप एक बार code लिखते हैं, तो for example जैसे हिरा ने बताया कि you can create the button once और वो reusable होता है, ताकि जब भी आपको अपनी application के अंदर button use करना हो तो आप same button को reuse कर सकते हैं. You can change the text on the button only, ठीक है? अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि components जो हैं वो nestable भी होते हैं, मतलब ये कि आप nest कर सकते हैं. Nest से मतलब क्या है कि आप एक component के अंदर दूसरा component call कर सकते हैं and so on, ठीक है? अच्छा, तो in this section of the React course, जो main जो topics हैं उसमें क्या है कि first React component बनाना, files, फिर हमने JSX use किया है पहले, but you can use how to work with, you know, JSX JavaScript. अच्छा, फिर JSX के अंदर आप JavaScript functionality कैसे call कर सकते हैं, then components को आप properties के through data कैसे pass कर सकते हैं, components के अंदर आप conditional rendering कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स को साइमल्टेनियसली रेंडर करना कैसे होता है, और कुछ जो आपको जनरल कंफ्यूजिंग जो बग्स आती हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया दिस इज अ क्वार्टर टू क्लास, बट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन रिएक्ट तो दे कैन फॉलो अलोंग. ओके, अच्छा, सो let's go straight into the first component. Acha, so we've said this again and again, right? Components jo hai wo React ke core pe hai. To jo bhi aap user interfaces banayenge, it will be in the shape of components. Theek hai? To that is where the journey will start, ke aap apna component develop karna seekhe. Acha, component kya hota hai? अगर आप सिंपली देखें तो जब आप अगर किसी भी पेज पर उसका HTML देखेंगे तो उसके अंदर यू विल हैव अ स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ कोड लाइक दिस, ठीक है? तो इसके अंदर HTML में क्या होता है, यू हैव टैग्स, जैसे कि हेडिंग का टैग. सो यू हैव द हेडिंग, और जो हेडिंग होती है आपकी वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेडिंग टैग के अंदर होती है, ठीक है? फिर अगर आपको लिस्ट चाहिए होती है तो यू हैव द ऑर्डर्ड लिस्ट, तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड देन उसके अंदर यू विल हैव द लिस्ट आइटम्स, और हर लिस्ट आइटम का जो भी टेक्स्ट है दैट विल आल्सो बी इन द ओपनिंग लिस्ट आइटम एंड क्लोजिंग लिस्ट आइटम टैग, ठीक है? तो इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यू हैव थ्री लिस्ट आइटम्स, ठीक है? एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट इज इन साइड ऑफ दिस आर्टिकल टैग, ठीक है? ये आपका बेसिक HTML स्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट होता है. अच्छा, फिर आपको अगर इसको स्टाइल करना होता है तो फिर आप इसको इसके साथ CSS ऐड करते हैं ताकि आप उसको स्टाइल कर लें, और इसमें इंटरेक्शन चाहिए होता है तो देन यू ऐड जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अच्छा, तो जो भी आपके पेज पे इंटरेक्टिविटी हो रही होती है दैट इज यूजुअली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट. अच्छा, React क्या करता है? React को यूज करके आप अपने HTML कोड को, अपने CSS कोड को और अपने JavaScript को एक जगह पे कंबाइन करके कस्टम कंपोनेंट्स बनाने देता है जो आपके reusable कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एंड वो जब कंपोनेंट बन जाता है आप उसको एज अ रेगुलर एलिमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये एक कंपोनेंट का कोड होता और उसका नाम होता टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, तो आप उसको एज अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट टैग की तरह कॉल कर सकते हैं, ठीक है? एंड इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग. क्या मतलब सेल्फ क्लोजिंग से? कि ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन ओपनिंग टैग के अंदर ही सेल्फ क्लोज हो जाता है यूजिंग द स्लैश ग्रेटर देन साइन, ठीक है? अच्छा, तो इस तरह से जब आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो यू कैन बेसिकली ट्रीट इट एज अ HTML एलिमेंट.
जब आप HTML टैग यूज करते हैं, आप एक पेज के अंदर जो भी टैग्स यूज करते हैं वो आपका एक तरह से पेज का कंपोनेंट बन जाता है. तो इफ़ यू लुक एट अ बेसिक पेज जिसमें कोई हेडिंग हो, जिसमें कोई टेक्स्ट हो, ईच ऑफ दोज एलिमेंट्स इज अ कंपोनेंट ऑन दैट पेज. ठीक है, तो इसी तरह से जब आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाते हैं, ईच ऑफ दोज कंपोनेंट्स, जैसे मैंने कहा अभी कि वो एलिमेंट की तरह ट्रीट हो सकता है, तो वो सारे एलिमेंट्स मिलके आपका पेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, दिस इज सम एग्जांपल कोड कि ये एक पेज है जिसके अंदर रिएक्ट के कंपोनेंट्स कॉल हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा, तो एक तो पेज लेआउट कंपोनेंट है, ठीक है, दिस इज द पेरेंट कंपोनेंट, बाकी सब कुछ इसके अंदर आ रहा है. ठीक है, फिर इसके अंदर यू कैन सी वी हैव द नेविगेशन हेडर. ठीक है, और नेविगेशन हेडर के अंदर वी आर कॉलिंग टू मोर कंपोनेंट्स, सर्च बार एंड अ लिंक टू द डॉक्स. ठीक है, देन साइड बार कंपोनेंट कॉल हो रहा है, एंड देन पेज कंटेंट का कंपोनेंट कॉल हो रहा है जिसके अंदर यू हैव द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टेक्स्ट. तो इसमें आपको ये डेमोंस्ट्रेट किया जा रहा है कि यू कैन हैव अ पेज क्रिएटेड यूजिंग रिएक्ट कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट जो है वो नेस्टेबल है. तो यू हैव द हायरार्की एक बन गई, राइट, पेज लेआउट के अंदर यू हैव द नेविगेशन हेडर और उसके अंदर यू हैव सर्च बार एंड लिंक एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से आप React components को call कर सकते हैं and you use them as a reusable or a nestable element. अच्छा, हमने already देखा है कि आपको जब styling करनी होती है तो आप different या तो styling frameworks use कर सकते हैं या styling libraries भी use कर सकते हैं. तो for example, अगर आपको कंपोनेंट्स को जैसे अगर आपको बिल्ट इन कंपोनेंट चाहिए या प्री बिल्ट कंपोनेंट्स चाहिए, तो आप यूआई लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, लाइक चाक्रा यूआई और मटेरियल यूआई. नाउ यू नो दैट चाक्रा यूआई हैज मेड इट टू द रिएक्ट डॉक्स, तो ये आप आई थिंक ऑलरेडी यूज कर सके होंगे. इसके अंदर इफ वी टेक अ लुक, गेट स्टार्टेड components, right? So these are some examples of pre-built components jo Chakra UI aapko provide karta hai. These are fully able to work with React aur inka jo code hai wo aap copy kar sakte hain and use them inside of a React application. Theek hai, acha, Tailwind is not a UI library. Tailwind is a class-based framework, right? तो टेलविंड आपको प्रीबिल्ट कंपोनेंट्स नहीं देगा. दिस वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको जंप स्टार्ट करना है और तेजी से आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो आप इस तरह की कोई यूआई लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जो आपको प्रीबिल्ट कंपोनेंट्स देता है. ठीक है, इसका उसका फायदा क्या होगा कि जैसे आप जाए कंपोनेंट्स में एंड देन यू कैन यू नो लुक फॉर अ लेट्स सी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए, तो आपके पेज के ऊपर इफ यू नीड समथिंग लाइक दिस, अगर आप कोई ब्लॉग साइट बना रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कोड इट, आप यहाँ आके इसका कोड यूज कर सकते हैं एंड यू नो अपनी एप्लीकेशन में इसको यूज करके तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन उसको जो भी कस्टमाइजेशन की जरूरत है वो आप कर सकते हैं. बट ये आपको प्रीबिल्ट इस तरह के कंपोनेंट्स देता है. अच्छा, नाउ एक कंपोनेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब भी आप वेब पेजेस बनाते थे ट्रेडिशनली, तो क्या होता था कि आप HTML में कोड करते थे जो स्ट्रक्चर था, और उसके ऊपर से हम एडिशनली जावास्क्रिप्ट ऐड करते थे उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, अच्छा, ये अच्छा था. जब क्या बात हो रही है कि जब भी पहले ज़माने में
इंटरैक्टिविटी इतना इंटरैक्टिविटी असम्पशन नहीं थी, वो नाइस टू हैव फीचर था कि बहुत अच्छी बात होगी अगर पेज इंटरैक्टिव हुआ. लेकिन नाउ डेज अगर आपका अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर इंटरैक्टिविटी नहीं है तो देन यू नो इट विल बी अ बोरिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन, उसमें कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं हो रही होगी एंड द यूजर्स विल नॉट वांट टू स्टे, राइट. तो रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट हेल्प्स यू डू द इंटरैक्टिविटी. अच्छा, और टेक्नोलॉजी इज स्टिल द सेम. तो वो करते क्या है कि अब रिवर्स कर दिया कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग HTML फर्स्ट एंड देन द जावास्क्रिप्ट, अब हम क्या करते हैं कि पहले हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं और देन उसके अंदर फिर हम मार्कअप ऐड करते हैं, ठीक है. अच्छा, तो हमने ये इस तरह के काफी फंक्शंस क्रिएट किए हैं ऑलरेडी, सो यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड दिस क्विकली कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कॉल्ड प्रोफाइल. इसके ऊपर अभी हम आते हैं. फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं कॉल्ड प्रोफाइल एंड देन इनसाइड द फंक्शन एग्जीक्यूशन ब्लॉक हम सिंपली रिटर्न कर रहे हैं और ये रिएक्ट कंपोनेंट्स मार्कअप रिटर्न करता है, राइट. एंड दिस इज द JSX मार्कअप. तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक HTML मार्कअप. अच्छा, तो हमने एक इमेज एलिमेंट रिटर्न कर दिया जिसमें सोर्स एंड ऑल टेक्स्ट है. तो होगा क्या कि जो आपका रिएक्ट फंक्शन है वो आपको इमेज रेंडर करके दे देगा, राइट. तो अब यहाँ पर हम इसका स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि होता क्या है. तो जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर रिएक्ट. ये क्या करते हैं कि जब भी कोई आप फंक्शन बनाते हैं इट्स इन अ फाइल, राइट. ये app.js की फाइल है तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट करने देता है ताकि आप फिर इसको किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कोड मॉड्यूलर तरीके से लिखते हैं तो इट्स नाइस टू हैव इट सॉर्टेड इनटू स्मॉल फाइल्स, राइट. तो इस तरीके से फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से एंड देन यू कैन इम्पोर्ट इट जहाँ पर भी आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे. अच्छा, तो दैट इज ऑल इट्स डूइंग, आप इस फंक्शनैलिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, द सेकेंड थिंग इज द एक्चुअल फंक्शन. तो जावास्क्रिप्ट में हमने फंक्शन लिखना हमें ऑलरेडी आता है, सो यू नो यू जस्ट हैव द फंक्शन कीवर्ड, द फंक्शन नेम, इन पैरेंथेसिस में जो भी आपके फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे वो आ जाएंगे एंड देन आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक, ठीक है. अच्छा, हियर इज द कन्वेंशन जब रिएक्ट के अंदर कि जब भी आप रिएक्ट का फंक्शन जो कंपोनेंट होता है वो बनाते हैं इट नीड्स टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है. तो इट हैज टू बी कैपिटल P, लोअर केस P से आप इसको नहीं बना सकते, ओके. अच्छा, तो अब हमारा बेसिक फंक्शन क्रिएट हो गया यूजिंग द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है. एंड देन वंस यू हैव डन दैट आपने सिर्फ मार्कअप ऐड करना है. तो मार्कअप क्या है, जो आपका JSX है, ठीक है. इट इज जस्ट लाइक HTML. तो अगर हमें इमेज चाहिए तो हम रिटर्न कर लेंगे एन इमेज कंपोनेंट और उस इमेज के अंदर भी हम जब भी HTML में इमेज टैग यूज करते हैं वी नीड टू यूज द सोर्स एंड द ऑल टेक्स्ट, ठीक है. तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी. जब ये आप पास कर देंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका इमेज रिटर्न कर देगा, ठीक है. अच्छा, अगर अब इसमें दो तरीके होते हैं राइट करने के, या तो आप रिटर्न जिस लाइन में है उसी लाइन में पूरा कोड आप ऐड कर दें लाइक दिस. अगर आपका जो कोड है वो रिटर्न की सेम लाइन पर नहीं है तो फिर क्या होगा कि आप उसको पैरेंथेसिस में रैप कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस. अगर ये पैरेंथेसिस नहीं होंगी तो क्या होगा, जो भी कोड रिटर्न के बाद होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा. चलो, यहां तक हमने जो किया है लेट्स क्विकली डू अ रिएक्ट ऐप. तो अगर हमें नेक्स्ट एप्लीकेशन बनानी है वी रन द npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, राइट. सो लेट्स गो टू आवर टर्मिनल.
we'll go through this installation. अच्छा, सो वी हैव आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन रनिंग, राइट? इसके अंदर हमें पता है कि वी हैव आवर पेज, ठीक है? अच्छा, दिस इज अ रिएक्ट कंपोनेंट, राइट? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वी हैव एन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और वी हैव द फंक्शन एंड वी हैव द नेम ऑफ द फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ कॉन्टेंट है. तो लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस. अच्छा, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन आ गया, जस्ट लाइक व्हाट वी वर लुकिंग एट हियर, राइट? अच्छा, तो अगर हम इसको प्रोफाइल फंक्शन बना लेते हैं एंड देन इनसाइड ऑफ हियर वी कैन डू दिस कोड रिटर्न इमेज. अच्छा, मैंने क्योंकि वो प्रीटियर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इसको फॉर्मेट कर रहा है. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि क्योंकि रिटर्न पर है एंड ऑन द सेम लाइन इसने जो सारी जो पैरेंथेसिस थी एंड ऑल दैट वो सब रिमूव कर दिया एंड नाउ द इमेज इज बीइंग रिटर्न डायरेक्टली. इसको हम रन कर लेते हैं. ठीक है, सो वी हैव द इमेज. ठीक है, अच्छा. दूसरी चीज क्या थी इसमें कि इफ यू हैव जो इसके पिटफॉल्स थे, अगर आप इसको रिटर्न से अलग कर देते हैं तो नाउ यू सी कि जो मेरा लेट मी ज़ूम इन ताकि आप देख सकें क्लियरली. जब ये टेक्स्ट रिटर्न की लाइन पर है ऑन द सेम लाइन ऑन लाइन टू तो यू कैन सी कि ये यूज हो रहा है एंड इन दैट केस इमेज नजर आ रही है. ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस टेक्स्ट को रिटर्न से अलग कर देता हूँ नाउ यू कैन सी कि जो ये वाला टेक्स्ट है इट इज नाउ बीइंग इग्नोर्ड. ठीक है, ये यूज नहीं हो रहा, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड. ठीक है, एंड यू कैन सी जब मैंने सेव किया तो यहाँ पर सेमी कोलन रिप्लेस हो गया. वट विल हैपन नाउ कि जो इमेज है वो अब नहीं आएगा. ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स, नाउ इट्स देयर. ठीक है, ओके, लेट्स कीप गोइंग. जब आपने एक बार अपना प्रोफाइल कंपोनेंट बना लिया, अब आप उसको किसी दूसरे कंपोनेंट के इनसाइड नेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं कि आप एक गैलरी कंपोनेंट बना सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स आ जाएंगे. तो हाउ विल दैट लुक? अब आपके पास इंस्टेड ऑफ ये कि आपका मेन फंक्शन प्रोफाइल होगा, नाउ यू कैन मेक योर मेन फंक्शन गैलरी. ठीक है, और गैलरी के अंदर आप प्रोफाइल यूज कर सकते हैं. तो लेट्स अपडेट द कोड अकॉर्डिंगली. हम क्या करेंगे कि राइट नाउ जब हमने डिफॉल्ट किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा एंड दैट्स व्हाई वी सी द प्रोफाइल इमेज. अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ द प्रोफाइल कंपोनेंट हमारे पास कोई दूसरा कंपोनेंट हो जो बाय डिफॉल्ट लोड हो. तो वील कॉपी दिस कोड और इसको अब हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको हम नॉर्मल एक फंक्शन बना देंगे. And then the default function will be the gallery. ठीक है, अच्छा, और gallery function में फिर क्या होगा कि
द गैलरी विल कंटेन प्रोफाइल. तो जब हम इसको रिटर्न करेंगे तो इन साइड ऑफ द गैलरी हम प्रोफाइल को कॉल कर लेंगे. अच्छा, हाउ टू डू इट, हम गैलरी के अंदर कोई सेक्शन या कोई डिव क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर फिर वी कैन हैव अ हेडिंग एंड देन वी कैन हैव सम प्रोफाइल इमेजेस. ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस कि अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, इसकी अब ज़रूरत नहीं है. एंड यहाँ पर हम रिटर्न के अंदर वी कैन हैव अ डिव और इस डिव के अंदर हम कोई हेडिंग क्रिएट कर लें. एंड इनकी जो हेडिंग थी क्या थी, अमेजिंग साइंटिस्ट. सो यूज द सेम थिंग. और यहाँ पर अब हम चाहेंगे कि जो प्रोफाइल कंपोनेंट था वी कैन कॉल इट. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम सिंपली प्रोफाइल का जो फंक्शन है उसको इस तरीके से कॉल कर लें एज अ कंपोनेंट. ओके, एंड व्हाट विल हैपन इज कि हमारे पास हेडिंग भी आ जाएगी, ठीक है, और उसके अंदर वी विल हैव द इमेज. एंड देन क्योंकि कंपोनेंट जो है वो रियूजेबल होता है तो वी कैन हैव इट कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स लाइक दिस. ठीक है, तो जितनी भी बार हम इसको कॉल करना चाहेंगे वी कैन डू दैट. सही. अच्छा, एंड देन यू कैन डू द स्टाइलिंग. हमारे पास इसके अंदर टेलविंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें अगर हमें करना हुआ फ्लैक्स तो यू नो समथिंग लाइक दिस. या हम इसको फ्लैक्स नहीं बनाएंगे, राइट, फ्लैक्स हम बनाएंगे. विल नीड टू हैव समथिंग हियर. तो इस तरह से आप उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यूजिंग द टेलविंड, या आप कोई भी जो रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी है वो भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो इस तरह से आप कंपोनेंट बना सकते हैं. अच्छा, सम थिंग्स हियर. जब हमने यहाँ पर JSX लिखा था तो नोट कर लें कि रिएक्ट का जो फंक्शन था, जो कंपोनेंट हमने बनाया प्रोफाइल, इट हैज़ अ कैपिटल P. तो जैसे ही हमने कैपिटल P से कोई एलिमेंट कॉल किया तो इट नोज कि ये कोई कंपोनेंट होगा. इफ़ यू मेक इट लोअर केस P, इट विल नॉट डिटेक्ट इट. ये कहेगा कि ये कोई ऐसा कोई टाइप नहीं है. ठीक है, सो वी कैन यूज द कैपिटल P. एंड जो बाकी के जो बिल्ट इन टैग्स होते हैं दे विल ऑल बी लोअर केस. ठीक है, अच्छा, अब नेस्टिंग की बात है कि जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, राइट, एज वी कैन सी कि ये एक कंपोनेंट है एंड इट्स नथिंग मोर देन अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन. ठीक है, अच्छा, तो आप एक फाइल के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स को रख सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है ऑलरेडी. हमने ये किया हुआ है कि वी हैव टू कंपोनेंट्स इन द सेम फाइल और एक जो पेरेंट कंपोनेंट है वो प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, राइट, तो वी ऑलरेडी हैव दिस. अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है ना कि एक कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड है, उनको आप सेपरेट नहीं करना चाह रहे, तो यू कैन डू दिस. अदरवाइज क्या होता है कि आपकी जो कोड की फाइल होती है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, देयर इज टू मेनी लाइंस ऑफ कोड और चीजें मैस बन जाती हैं. तो टू मेक इट यू नो बेटर ऑर्गेनाइज, इट मेक्स सेंस कि आप उसको सेपरेट कर दें इन टू डिफरेंट फाइल्स. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो आपका प्रोफाइल कंपोनेंट है जो भी हमने बनाया वो गैलरी के अंदर मल्टीपल टाइम्स हम डिस्प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो गैलरी है वो पेरेंट कंपोनेंट है और जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो प्रोफाइल है. ठीक है, सो मतलब क्या है कि आप एक बार उस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं और फिर जितनी भी बार चाहें आप उसको कॉल कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट्स कैन रेंडर अदर कंपोनेंट्स बट यू मस्ट नेवर नेस्ट देयर डेफिनेशंस. अच्छा,
तो क्या होता है कि जब आप कोड लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने गैलरी जो पेरेंट कंपोनेंट था उसके अंदर फंक्शन प्रोफाइल डिफाइन किया हो। हमने क्या किया है, वी हैव डन इट सेपरेटली, ठीक है। प्रोफाइल फंक्शन इज सेपरेट, गैलरी फंक्शन इज सेपरेट, और हमने प्रोफाइल को कॉल कर लिया इनसाइड। हमने ये नहीं किया कि इस कोड को यहाँ कॉल किया हो। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। इस उसके लिए कि वो कंपोनेंट हो, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि हम टॉप लेवल पे सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं जैसे हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो टू रिकैप दिस पार्ट, हमने क्या किया कि हमने कंपोनेंट बनाना देखा है। वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट, लेकिन एक बार रिकैप हो गया। और वो क्या हुआ है कि हम उसको रीयूजेबल बना सकते हैं इसको, राइट। हमने प्रोफाइल कंपोनेंट को मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स यूज करके देख भी लिया। अच्छा, हमने देखा है कि रिएक्ट एप्लीकेशन में जो भी यूआई होता है वो कंपोनेंट होता है, और हमने ये देखा कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स बेसिकली रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। बस उसमें दो चीज़ें डिफरेंट हैं कि एक ये कि उनका जो नाम है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो रिटर्न करती हैं वो JSX का मार्कअप होना चाहिए, ठीक है। सो हियर इज अ चैलेंज फॉर यू, ये वाला कोड डू दिस इन प्रैक्टिस। इसमें यू हैव 4 चैलेंजेस, ठीक है। एंड विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट्स। अच्छा, तो हमने जैसे रियूजेबिलिटी की बात की है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इट, राइट, कि जो भी आप कंपोनेंट बनाते हैं वो रियूजेबल होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा प्रोफाइल कंपोनेंट को वी यूज मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, जैसे आप नेस्टिंग करना शुरू करते हैं और रियूजेबिलिटी करना शुरू करते हैं, आपको ये करना पड़ता है कि यू नो इट मेक सेंस के इनको सेपरेट कर दें, इवन जो कोड है उसको भी सेपरेट कर दें इनटू डिफरेंट फाइल्स। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोड स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड आर केप्ट सेपरेटली, ताकि अगर आप एक फाइल को अपडेट करते हैं यू नो इट डजेंट रियली अफेक्ट अनदर फाइल, और ओवरऑल मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एंड देन जो आइसोलेटेड कंपोनेंट होता है उसको आप मोर इजीली रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको एक कंपोनेंट चाहिए था लेकिन उसके लिए यू हैड टू इंपोर्ट अ होल बंच ऑफ अननेसेसरी अदर कोड, राइट। अच्छा, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ इट विल टॉक अबाउट द रूट कंपोनेंट, किस तरह से आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक्सपोर्ट ऑलरेडी देखा है बट वी हैवन्ट रियली सीन के वो यूज कैसे होता है, तो विल डू दैट। जब आपको कब डिफॉल्ट यूज करना चाहिए या कब नेम्ड इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट यूज करना चाहिए, हाउ टू इम्पोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ फाइल, और हाउ टू स्प्लिट कंपोनेंट्स इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो लेट्स डू दिस। तो जो आपका रूट कंपोनेंट फाइल है वो क्या है कि हमने अभी जो कोड लिखा है, वी हैव टू कंपोनेंट्स देयर, प्रोफाइल कंपोनेंट एंड गैलरी कंपोनेंट, राइट। अच्छा, और इस केस में क्या हो रहा है कि जो गैलरी कंपोनेंट है ये हमारा मेन कंपोनेंट है और ये ही रेंडर कर रहा है प्रोफाइल कंपोनेंट को, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो हमारी एप्लीकेशन है उसका जो रूट है वो page.tsx है, राइट, बिकॉज हम Next.js का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं एंड दिस इज यूजिंग प्लेन रिएक्ट। यहाँ पे ये app.js मेंशन कर रहे हैं, बट इन आवर केस इट्स द page.tsx, ठीक है। तो दिस इज आवर रूट पेज, और हाउ डज दैट वर्क, जैसे ही आप रूट URL पे जाते हैं तो दैट इज द पेज दैट इज रेंडर्ड, ठीक है। तो दैट इज योर रूट। अच्छा, तो इस रूट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ये एग्जांपल कोड अभी यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप
प्लेन रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ रनिंग द क्रिएट नेक्स्ट ऐप कमांड टर्मिनल के अंदर यू कैन यूज क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, और उस केस में फिर नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क के बगैर एक स्टैंड अलोन रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सो यू विल हैव द रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी बट यू विल नॉट हैव द नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क, ठीक है. Exporting and importing a component. What if you want to change the landing screen in the future and put a list of science books there? अच्छा, अगर आप ये करते हैं कि landing page के अंदर आप different चीजें add करना चाह रहे हैं, not just this, तो फिर क्या होगा कि it makes sense कि जो भी आपके existing components हैं वहां पर उनको आप root file से बाहर निकाल लें और उनको सेपरेट फाइल्स के अंदर क्रिएट कर लें. तो इसका क्या प्रोसेस होता है, एंड आई थिंक वी हैव डन दिस ऑलरेडी, कि हम जो भी जावास्क्रिप्ट की ये वाली फाइल्स होती हैं इनके लिए एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और उस फोल्डर में हम इनको मूव कर देंगे और वहां से फिर हम जो फंक्शंस हैं उनको एक्सपोर्ट कर देंगे एंड देन जहां पर भी हमें यूज करना है उनको हम इम्पोर्ट कर लेंगे. अच्छा, तो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ से जो हमारा जो रूट पेज है वहां से हम कोड को मूव कर लें बाहर और एक दूसरी फाइल में मूव कर देते हैं. अच्छा, सो लेट्स डू इट हियर, और हम इस तरह से कर लेते हैं कि लेट्स जस्ट क्रिएट अ फोल्डर फॉर कंपोनेंट्स, ठीक है, और कंपोनेंट्स के फोल्डर में वी कैन हैव gallery and gallery.tsx and profile.tsx, ठीक है, एंड देन इसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि जो gallery वाला फंक्शन है हम वो gallery के अंदर मूव कर लेंगे एंड जो profile का फंक्शन है हम profile में मूव कर लेंगे. So now we have three files, profile, gallery and page. अच्छा, अब यहाँ से हम पेज में से प्रोफाइल को रिमूव कर लेते हैं. लेट्स रीनेम दिस टू होम एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस यहाँ पर अब हम गैलरी फंक्शन को कॉल कर लेंगे. सो वी कैन कॉल गैलरी. अच्छा, वी एस कोड यूज कर रहे हैं तो व्हेन वी डू दिस ऑटोमेटिकली गैलरी इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड देन गैलरी में एरर आ रहा है बिकॉज द प्रोफाइल इज नॉट इम्पोर्टेड, ठीक है, प्रोफाइल इसको मिल नहीं रहा. सो लेट्स डू इट लाइक दिस के प्रोफाइल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रोफाइल आ गया. Okay, so now we have the home page जिसके अंदर gallery component render हो रहा है और gallery component जिसके अंदर profile render हो रहा है. So what will happen? जो हमारी application है उसमें कोई change हमें नजर नहीं आएगा, but in terms of the code structure हमने इसको थोड़ा सा better organize कर दिया, ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट्स है उनको हमने मूव कर दिया इनटू अ सेपरेट कंपोनेंट्स फोल्डर लाइक दिस. अच्छा, अब हमने इन्होंने दो फाइल्स बनाई थी, हमने तीन फाइल्स बना ली, ठीक है. अच्छा, यू मे एनकाउंटर फाइल्स दैट लीव ऑफ द .js एक्सटेंशन लाइक सो. अगर आप देखें तो यहाँ पर .js की एक्सटेंशन नहीं है, या क्योंकि हमने .tsx बनाया है .tsx भी मेंशन नहीं है, तो इसके अंदर आप .js भी मेंशन कर सकते हैं या विदाउट एनीथिंग मेंशन कर सकते हैं बिकॉज हमने जो फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है.
अगर आपने प्रोफाइल को शो करना है इंस्टेड ऑफ गैलरी, तो आप प्रोफाइल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गैलरी है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये उस केस में अगर हमने लेट्स डू इट लाइक दैट एज वेल, इनके वाले एग्जांपल को अगर हम करते हैं फॉलो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन हियर, हम यहाँ पर प्रोफाइल फंक्शन को यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। तो नाउ व्हाट्स हैपनिंग राइट इज के गैलरी फंक्शन हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है और प्रोफाइल फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। प्रोफाइल जो है वो इसी फंक्शन, इसी कंपोनेंट के अंदर यूज हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट हम मेन पेज पे गैलरी में से प्रोफाइल कॉल नहीं कर सकते बिकॉज प्रोफाइल इज नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है। अच्छा, तो क्या करना होगा अगर हमें प्रोफाइल को भी एक्सपोर्ट करना होगा? हम उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि डिफॉल्ट तो एक ही चीज हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे कि यू कैन आइदर क्रिएट अ न्यू फाइल विद अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जैसे हमने प्रोफाइल के लिए अलग फाइल बनाई है, समथिंग लाइक दिस, या तो आप ये कर सकते हैं, या आप नेम्ड एक्सपोर्ट बना सकते हैं प्रोफाइल का। अच्छा, नेम्ड एक्सपोर्ट से क्या मतलब कि जो हमारा कोड होगा इन बिफोर द फंक्शन, हम सिर्फ एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे एंड दिस विल बी अ नेम्ड एक्सपोर्ट। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर वी हैव अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट गैलरी एंड अ नेम एक्सपोर्ट प्रोफाइल। अच्छा, सो ये हमने कर लिया। अगर प्रोफाइल को हमने नेम्ड एक्सपोर्ट बना लिया, अब हम क्या करेंगे कि जब भी अगर हमें मेन पेज के ऊपर, लेट सपोज हमें प्रोफाइल को डायरेक्टली कॉल करना है विदाउट द गैलरी, ठीक है, ये क्यों करना होगा? फॉर एग्जांपल हमें ये हेडिंग भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू प्रोफाइल्स, थ्री प्रोफाइल्स शोइंग अप, हमें सिर्फ सिंगल प्रोफाइल को डिस्प्ले करना है। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि इनसाइड ऑफ आवर पेज, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज होंगे फॉर अ नेम्ड एक्सपोर्ट। यहाँ पर आ जाएगी प्रोफाइल फ्रॉम कंपोनेंट्स गैलरी, ठीक है, एंड देन हियर विल हैव टू यहाँ पे प्रोफाइल कॉल कर। सो इन दिस वे क्या होगा कि यू विल हैव द गैलरी कंपोनेंट और फिर अलग से एक प्रोफाइल भी अगर आपको कॉल करनी है, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस से आप नेम्ड कंपोनेंट्स को गेट कर सकते हैं। तो इस वक्त नाउ हमारे पास जो कोड है इट लुक समथिंग लाइक दिस। इन्होंने यहाँ से गैलरी को हटा दिया, वी कैन कमेंट इट, सो नाउ वी हैव जस्ट द प्रोफाइल इमेज जैसे इनके पास है। अच्छा, एंड देन इनसाइड द गैलरी इमेज दिस इज हमारा कोड भी इसी तरीके से हुआ है कि वी हैव द नेम्ड एक्सपोर्ट प्रोफाइल फंक्शन एंड द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट गैलरी फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास मिक्स हो गया डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट्स का। तो गैलरी फाइल में हमारे पास प्रोफाइल कंपोनेंट है जो नेम्ड एक्सपोर्ट है और गैलरी कंपोनेंट है जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। और फिर एप जेएस में जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इन आर केस पेज डॉट टीएसएक्स में हम क्या कर रहे हैं कि प्रोफाइल को इम्पोर्ट कर रहे हैं एज अ नेम्ड कंपोनेंट लाइक दिस, और गैलरी को इम्पोर्ट कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट इम्पोर्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन हम उसको यूज कर सकते हैं। अगेन ट्राई आउट सम चैलेंजेस, इसको आप एज असाइनमेंट ले लें एंड ट्राई टू सॉल्व दीज चैलेंजेस। ओके, अच्छा, नाउ जेएसएक्स। तो जेएसएक्स हम यूज करते आ रहे हैं
एंड व्हेन वी आर वर्किंग विद टाइपस्क्रिप्ट हम फाइल्स को TSX कर देते हैं फॉर टाइपस्क्रिप्ट XML मार्कअप। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोड लिख रहे होते हैं यूजिंग रिएक्ट, तो हम क्या करते हैं कि ये जब भी हम कुछ रेंडर करना चाह रहे होते हैं, ऑल ऑफ दिस कोड जो HTML की तरह नज़र आता है, दिस इज एक्चुअली JSX कोड। ठीक है, तो ये एक सिंटैक्स की एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के लिए, जो आपको HTML की तरह मार्कअप लिखने देता है इनसाइड ऑफ अ जावास्क्रिप्ट फाइल। याद करें हमने क्या कहा था कि रिएक्ट में हम क्या करते हैं कि वी राइट जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर हम मार्कअप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो इवन दो कि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट वेज, रिएक्ट के अंदर हम लोग JSX यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स द प्रेफर्ड वे। अच्छा, तो इन दिस सेक्शन वी लर्न व्हाई रिएक्ट मिक्सेस मार्कअप एंड रेंडरिंग लॉजिक, JSX HTML से डिफरेंट कैसे, एंड हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन विद JSX। अच्छा, सो स्टार्टिंग विद JSX के आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मार्कअप कैसे ऐड करेंगे या क्यों ऐड करेंगे। अच्छा, तो व्हेन द इंटरनेट स्टार्टेड राइट, दो सारी चीजें शुरू हुई थी विद HTML, फिर CSS आया, फिर जावास्क्रिप्ट आई राइट फ्रॉम द ब्राउजर्स। अच्छा, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम डेवलपर्स क्या करते थे कि HTML में कंटेंट रखते थे, डिजाइन करने के लिए CSS यूज करते थे, एंड जो भी लॉजिक इंटरेक्शन है वो जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। ठीक है, और जनरली ये अलग अलग फाइल्स में होता था। When you've learned HTML, CSS and JavaScript in the beginning, आपने देखा होगा कि HTML files अलग होती हैं, and then you have the CSS files और JavaScript की files होती हैं, and then you link them together. अच्छा, तो जो आपका content होता था, वो HTML file के अंदर होता था as markup. ठीक, something like this. कि आपका एक कोई div होता था, उसमें paragraph होता था, and then you'd have a form, form के अंदर जो भी फॉर्म की फील्ड्स होती थी। सो समथिंग लाइक दिस, कि जो आपका स्ट्रक्चर था उसी के अंदर विद इन द मार्कअप आपका कंटेंट भी होता था। ठीक है, एंड देन जो आपकी जावास्क्रिप्ट थी वो एडिशनली ऑन टॉप ऑफ इट ऐड होती थी, जिसके अंदर जो भी आपके फंक्शंस होते थे राइट, कि अगर यूजर लॉग्ड इन है या कुछ लिंक है उस पर क्लिक करना है, या कोई बटन है फॉर्म सबमिट करना है, समथिंग लाइक दिस। अब जैसे जैसे इंटरनेट ज़्यादा इंटरैक्टिव होता गया, तो आपकी जो जो कंटेंट है वो क्या कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपका जो पेज होता है वो डायनेमिक होता है, तो वो लॉजिक की बेसिस पर फिगर आउट होता है कि व्हाट टू डिस्प्ले। ठीक है, तो इन दैट केस आप मार्कअप के अंदर कंटेंट नहीं रख सकते राइट, क्योंकि आपको रन टाइम के ऊपर या बिल्ड टाइम के ऊपर वट एवर द केस इज आपको डायनामिकली कंटेंट जनरेट करना होता है। तो फिर क्या हो गया कि द रिवर्स हैपेंड, कि अब जावास्क्रिप्ट को डायनामिकली कंटेंट देना हुआ होगा, तो जावास्क्रिप्ट बिकेम इन चार्ज राइट। तो अच्छा, तो इसलिए रिएक्ट के अंदर जो भी रेंडरिंग लॉजिक है वो और जो भी मार्कअप है वो दोनों एक ही जगह कर दिए कंपोनेंट्स के अंदर, बिकॉज कंटेंट तो आपको जब ही मिलेगा जब आपकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो बेस्ड ऑन दैट इट मेड सेंस कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, कि लॉजिक एंड मार्कअप दोनों एक ही जगह कंपोनेंट्स में आ जाए। अच्छा, सो इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर एक साइड बार JS की फाइल है और इसके अंदर कुछ लॉजिक है। सो वी हैव अ बेसिक फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन साइड बार, और उसके एग्जीक्यूशन में यू हैव अ इफ एल्स कंडीशन। अच्छा, अगर यूजर लॉग्ड इन है तो वेलकम कर दें, अगर लॉग्ड इन नहीं है तो फॉर्म डिस्प्ले कर दें। ठीक है, और फॉर्म क्या है, फॉर्म इज अ कंपोनेंट, तो उसका कंपोनेंट इस तरह से नजर आता है कि अगर क्लिक हो तो एग्जीक्यूट सम लॉजिक, सबमिट हो तो एग्जीक्यूट सम लॉजिक, और जो उसका मार्कअप है वो ये है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से यू कैन हैव कंडीशनल लॉजिक
inside of a component. ठीक है कि जो भी आपका करंट स्टेट है, इस तरह से समझते हैं कि अगर आप लॉग्ड इन हैं या लॉग्ड आउट हैं, उसकी बेसिस पे डिटरमिन होगा कि कंटेंट क्या है. तो टू डिटरमिन द कंटेंट आपको कुछ लॉजिक की जरूरत होगी. सो दिस इज डन इनसाइड ऑफ द कंपोनेंट. अच्छा, और ये हम लॉजिक एचटीएमएल में तो कर नहीं सकते, सो दिस इज व्हाई इट हैज टू बी डन इन जावास्क्रिप्ट. Keeping a button's rendering logic and markup together ensures that stay in sync, okay, with each other in every edit. Agar hum is button ko saath mein rakhte hain with the actual functionality, to koi sync issues nahi honge. You will have exactly, you will exactly know ke jab button pe click hona hai, to it run this function. Okay, so it's very tightly coupled. So this is why हम JSX use कर सकते हैं, why we prefer to do it. ठीक है. अच्छा, अगर आपको HTML को JSX में convert करना है तो it's a very simple process. Look at this HTML code. ये valid HTML code है. इसके अंदर you know you just have a heading, an image and an unordered list with three list items. अच्छा, अब इसको अगर आप अपने कंपोनेंट में ऐड करना चाहते हैं तो व्हाट विल यू डू. अगर आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ इश्यूज आएंगे. लेट्स ट्राई इट बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन. सो लेट्स कॉपी दिस कोड एंड लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट टू डू डॉट टीएसएक्स. एंड यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन चाहिए होगा. तो लेट्स डू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न. अच्छा, तो अगर हम इसको एज इट इज रिटर्न करते हैं हमें एरर्स आ रहे हैं, राइट. तो सबसे पहला एरर क्या आया कि JSX मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट. अच्छा, तो क्या मतलब कि JSX में जब भी आप कुछ रिटर्न करेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए जिसके अंदर आपके सारी जो भी रेंडरिंग करनी है वो सब एज अ चाइल्ड एलिमेंट होना चाहिए. सो वी कैन क्रिएट अ फ्रैगमेंट और अ डिव. तो हम फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं. अच्छा, दूसरा ये कि ये जो इमेज है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है. सो दिस हैज टू बी सेल्फ क्लोजिंग. ये क्या कह रहा है, JSX फ्रैगमेंट हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग. अच्छा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा, JSX के अंदर जब आप क्लास यूज करते हैं तो दिस इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड. ठीक है, तो आप ये यूज नहीं करते, वी यूज क्लास नेम इंस्टेड. ठीक है, UL has no corresponding closing tag. हाँ, अच्छा, तो हमें ये जो लिस्ट आइटम्स हैं इनको भी क्लोज करना होगा. एंड देन इट रिजॉल्व्स द इश्यूज. ठीक है, तो इस तरह से जो तीन इश्यूज हमने फेस किए, नंबर वन ये कि जो JSX है it has to be contained within one parent element. तो हमने एक fragment बना लिया. This could also be like a div, that works also. Fragment better. अच्छा, फिर जो image है it has to be self-closing. और जो list है उसमें भी जो भी आपके elements हैं they have to close the tags. ठीक है, this is very important.
why not div? Gen usually क्या होता है कि जब आप div बनाते हैं, I'll show you. यहाँ पर अगर आप div create करते हैं, and let's render this component. तो आप देखें इसको जब हम जाके पेज में व्यू करेंगे, दिस इज द कोड राइट. इफ यू डू इंस्पेक्ट, तो ये हमारा जो ये वाला डिव है, एंड देन यू विल हैव अ सेकंड डिव जिसके अंदर फिर सारा कोड आएगा. तो नाउ यू हैव अ डिव इनसाइड ऑफ अ डिव. तो ये एक्स्ट्रा जो आपका जो HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसमें एक अननेसेसरी डिव ऐड हो रहा है. इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैगमेंट, तो फिर क्या होगा कि यू डोंट हैव द एक्स्ट्रा डिव, आपका जो कोड है वो डायरेक्टली सिंगल डिव के अंदर आ जाएगा. तो इट जस्ट सेव्स योर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हायरार्की फ्रॉम अननेसेसरी डिव्स. ठीक है, तो जब भी आप डिव क्रिएट करें तो मेक श्योर कि आपको उस डिव की जरूरत है. सही है, दिस इज अ शॉर्ट हैंड कोड. ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट इन रिएक्ट सिग्निफाइज अ रिएक्ट फ्रैगमेंट. अच्छा, तो ये हमने कर लिया, वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट इश्यूज. तो हमने सिंगल रूट एलिमेंट रिटर्न किया, दैट इज द फर्स्ट रूल कि जब भी आप JSX रन करें इट हैज टू कंटेन ओनली वन सिंगल रूट एलिमेंट. तो हमने सिंगल रूट एलिमेंट फ्रैगमेंट को बना दिया. ठीक है, एंड देन दूसरी चीज ये थी कि जो भी टैग्स हैं उनको हमने क्लोज किया. तो हमने इमेज टैग को भी क्लोज किया था और लिस्ट आइटम टैग्स को भी क्लोज किया था. ठीक है, एंड देन जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं मेक श्योर कि वो कैमल केस में हो, और जो क्लास एट्रीब्यूट है वो रिजर्व्ड वर्ड है React के अंदर, so make it class name. ठीक है, so these are the issues जो आपको fix करने होते हैं when you convert from HTML to JSX. आप कोई converter भी use कर सकते हैं to translate HTML or SVG into JSX. ठीक है, तो यहाँ पर एक ये कन्वर्टर अवेलेबल है, आप यहाँ पे HTML कोड को पेस्ट करें एंड इट विल जनरेट द JSX फॉर यू. तो यहाँ पर अगर हम जो स्टार्टिंग HTML टेक्स्ट था इसको अगर हम ऐड कर दें हियर, तो ये सारी चीज़ें फिक्स करके हमें खुद से दे देगा. यू कैन सी कि इसने फ्रेगमेंट ऐड कर दिया, इट हैज़ एडेड द क्लोजिंग टैग इन द इमेज and the closing list item tags. So इसने automatically सारी चीजें कर दी. So you can use something like this as well. ठीक है, तो इस तरह से आप JSX को convert कर सकते हैं from an HTML. Okay, so that is why and how to write markup with JSX. And क्योंकि हम TypeScript use कर रहे हैं, तो we call it TSX. ओके, एंड दिस इज व्हाई जो भी आपके रिएक्ट कंपोनेंट्स हैं, दिस इज व्हाई इट्स द एक्सटेंशन .tsx और .jsx, क्योंकि इसके अंदर हम jsx रिटर्न कर रहे हैं या tsx रिटर्न कर रहे हैं. जब आप इसको कंपाइल करेंगे यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, इट विल कन्वर्ट दीस फाइल्स इनटू jsx. And then please do the challenge here, ताकि आपको HTML to JSX की conversion में practice हो. Okay, let's continue. अच्छा, JSX में आप HTML type का markup तो write कर सकते हैं, right? ये हमने देख लिया है, writing you know something like this, जिसके अंदर आपके पास एक JavaScript function के अंदर ही within a JavaScript file और अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल
आप HTML टाइप का मार्कअप ऐड कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज पॉसिबल विद JSX. लेकिन हमें अगर उसके अंदर मार्कअप के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट रन करना हुआ तो हाउ वुड वी डू इट, ठीक है? तो या तो फॉर एग्जांपल के हमें कोई जावास्क्रिप्ट की लॉजिक ऐड करनी है या हमें कोई डायनामिक प्रॉपर्टी को रेफरेंस करना है मार्कअप के अंदर, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं इनसाइड द JSX फाइल और वो फिर हम रन कर सकते हैं, ठीक है? सो इन दिस सेक्शन वी लर्न हाउ टू पास स्ट्रिंग्स विद कोट्स, हाउ टू रेफरेंस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स इनसाइड JSX यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस यूज करके विद इन JSX हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कॉल करना भी सीख लेंगे, एंड देन लास्टली हाउ टू यूज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनसाइड JSX, ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट थिंग इज पासिंग स्ट्रिंग्स विद कोट्स. तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग्स पास करना चाहते हैं टू JSX, आप उसको सिंगल या डबल कोट्स में इसको ऐड करते हैं. तो व्हाट यू सी हियर इज, जैसे अगर आप देखते हैं इनसाइड द इमेज टैग, हमने ये ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि जो क्लास नेम है उसमें हम एवटार जो स्ट्रिंग है उसको कोट्स के अंदर रखा हुआ है, जो सोर्स फाइल है उसको भी कोट्स में रखा है, इन द ऑल टेक्स्ट एज वेल, ठीक है? तो ये जो सारी वैल्यूज हैं दीज आर स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू की जगह अगर हम डायनामिकली ये वैल्यूज स्पेसिफाई करना चाहें तो फिर हम इसको डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे. व्हाट वी वुड डू इंस्टेड इज हम कोई जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए वैल्यू पास करना चाहेंगे, ठीक है? तो इन दैट केस वी वुड रिप्लेस द कोटेशंस विद कर्ली ब्रेसेस. अच्छा, तो समथिंग लाइक दिस. So let's create a component called avatar. Let's create a component called avatar.tsx. Export default function avatar. अच्छा, और ये जो function है, इस function में देखें हम क्या कर रहे हैं कि we have a basic इमेज बीइंग रिटर्न्ड. तो जो हमारा प्रोफाइल वाला इमेज प्रोफाइल वाला कंपोनेंट था, इट इज डूइंग दिस बेसिकली बट लिटिल बिट डिफरेंटली, तो रिटर्न द इमेज, ठीक है? लेकिन इमेज के अंदर हम जो वैल्यूज पास करना चाहेंगे वो हम डिफरेंटली कर रहे हैं. ओके, सो हाउ विल इट वर्क? वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि जो सोर्स एंड ऑल टेक्स्ट है उसकी जो वैल्यूज हैं वो इंस्टेड ऑफ ये कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग के थ्रू पास करें, हम इनकी वैल्यूज ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर दें इनसाइड ऑफ सम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट. तो वी कैन डू कॉन्स्टेंट एवटार इक्वल्स, और ये जो चीज है इसको हम यहाँ मूव कर दें, एंड देन रिप्लेस दिस विद एवटार, ठीक है? अब क्या होगा कि जो सोर्स है वो रेफरेंस करेगी इस वेरिएबल को, ठीक है? तो नाउ वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट डायनामिक वैल्यूज इनसाइड ऑफ अ मार्कअप, एंड इसी तरह से हम ऑल टेक्स्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड देन इंस्टेड ऑफ पासिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ पर ऑल टेक्स्ट पास कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सो इस तरीके से हम जो भी वैल्यूज हैं उनको हम पास कर सकते हैं एज एज वेरिएबल्स, ठीक है? एंड दिस इज यस दिस इज एग्जैक्टली हम प्रॉप्स की तरफ बिल्ड करते हुए जा रहे हैं. सो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आई जस्ट डू द सेम थिंग ताकि यू कैन फॉलो अलोंग, ठीक है? एंड देन इसको अगर हम एवटार कॉल कर लें, so in our page, so it works, right? Yes, हम let use कर सकते हैं, but why would you use let, right? हम इसको change नहीं करना चाह रहे. This is a one time declared value.
और ये अपडेट नहीं होगी, सो दैट इज व्हाई इट्स अ कांस्टेंट. अगर आप जनरली यू शुड यूज कांस्टेंट अनलेस आप उस वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे उसकी वैल्यू को. अगर आपने कांस्ट किया होगा देन यूल अगर आप बाय मिस्टेक कोड करते वक्त उसको ओवरराइट कर रहे होंगे एट एनी पॉइंट तो आपको एरर नोटिफिकेशन आ जाएगी द सिंटैक्स इशू एंड देन यू विल बी अवेयर कि आपने कोई मिस्टेक किया. अदरवाइज अगर लेट कर देंगे यू हैव अ रिस्क ऑफ चेंजिंग द वैल्यू अननोइंगली. ओके सो तो इस तरह से हम कर्ली ब्रेसेस यूज करके वैल्यूज पास कर सकते हैं इन साइड ऑफ JSX मार्कअप. अच्छा यहाँ पे बात हो रही है. अच्छा तो यू वी ऑलरेडी नो दिस राइट कि हम JSX जब हम यूज करते हैं वी आर राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोड और इसके अंदर दैट मीन्स कि हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते होंगे क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग जावास्क्रिप्ट राइट. जब हम JSX में मार्कअप लिख भी रहे हैं इवन दो वी आर हियर दिस इज स्टिल जावास्क्रिप्ट राइट. तो दैट मीन्स कि हम इस केस के अंदर भी वी शुड हैव अ वे कि यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकें. तो इन दैट केस यहाँ पर अगर हम जैसे इसी एवटार के अंदर ही अगर हम कर लें ये वाला काम के बल्कि दिस इज इन द टू डू लिस्ट. तो टू डू लिस्ट के अंदर हम जाके अपडेट कर लेते हैं और वी कैन मेक अ न्यू कंपोनेंट टू डू लिस्ट. तो इन साइड ऑफ दिस कंपोनेंट हम क्या चाह रहे हैं इसको मैं कॉपी करके ले आता हूँ. सो वी हैव अ फंक्शन टू डू लिस्ट उसके अंदर वी हैव अ नेम whatever Gregorio Zara I think he is the founder of Zara I'm not sure anyway so we have a constant jiske andar inka name saved hai aur hum ye cha rahe hain ki jo hamari rendering ho uske andar ye name display ho jaye in the browser so let's run this to do list right so What is happening is कि जो हमारा JSX है उसके अंदर हमने डायनामिकली नेम पास कर दिया. हाउ आर डूइंग दिस इज अगर आप कोड में देखें हमने एक वेरिएबल में नेम सेव किया हुआ एंड देन जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम नेम को रेफरेंस कर रहे हैं यूजिंग द कॉन्स्टेंट. ठीक है अच्छा वाई इज दिस इम्पोर्टेंट क्योंकि हम अगर नेम को वेरिएबल में सेव कर सकते हैं तो दैट मींस कि हम उसको डायनामिकली गेट कर सकते हैं एंड यू नो मैनिपुलेट द डेटा एंड सो ऑन. तो इस तरीके से वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट इनसाइड ऑफ आवर JSX मार्कअप. ठीक है अगर हम इसको चेंज कर देते हैं द नेम अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ देन जो हमारा डेटा है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज हमने जो जो वैल्यू पास किया वो चेंज हो गई. ठीक तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस हैं वो इवेल्युएट हो जाती हैं एंड दे विल वर्क. ठीक है तो इवन इनसाइड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस आप कोई फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो वी हैव अ फंक्शन जो डेट को फॉर्मेट कर रहा है. तो फर्स्टली आप एक वेरिएबल में टुडेज डेट कॉल कर रहे हैं एंड सेविंग इट एंड देन एक फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर्मेट डेट जिसके अंदर आप कोई भी डेट पास कर सकते हैं और उसको आप रिटर्न कर देते हैं एज अ डेट टाइम फॉर्मेट जिसमें यू नो यू हैव For the US English language और इसमें जो भी वीक डे है उसकी फुल लॉन्ग स्पेलिंग आ जाएगी राइट एंड देन यू डिस्प्ले इट. तो इन साइड ऑफ द टू डू लिस्ट फंक्शन आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड देन इट विल रिटर्न टूडेज डेट फॉर्मेटेड इन दिस फंक्शन. अच्छा सो इसको हम ट्राई कर लेते हैं.
सो वी हैव अ फंक्शन, इसको देखें इन्होंने सेपरेटली किया हुआ है, तो वी विल हैव इट सेपरेटली लाइक दिस आउटसाइड। अच्छा, और क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो दिस इज सेइंग दैट इट हैज एनी टाइप, एंड लेट्स मेक दिस अ स्ट्रिंग और इसको स्ट्रिंग छोड़ देते हैं फॉर नाउ एंड देन इसको डेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। अच्छा, सो हमने एक डेट क्रिएट की, पुट दैट इन टुडे, और फिर एक फंक्शन पास कर दिया, क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हम डेट को फॉर्मेट कर रहे हैं। एंड देन हियर व्हाट वी विल डू इज इंस्टेड ऑफ इसको भी हम रख सकते हैं, तो आदल्स टू डू लिस्ट फॉर, एंड यहाँ पर हम अगेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फॉर्मेट डेट, और इस फंक्शन को एक इनपुट पैरामीटर चाहिए जिसके अंदर हम टुडे पास कर देंगे। सही है, तो विद दिस वी कैन सी के व्हाट इज द आउटकम। तो आप देख सकते हैं कि ये आज का जो दिन है उसका नाम आ गया पूरा, सैटरडे, ठीक है, और क्यों, बिकॉज हमने जो फॉर्मेट किया है उसमें सिर्फ हमने वीक डे पास किया है इन द लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस इज डूइंग। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, कर्ली ब्रेसेस यूज कहाँ करने हैं? अच्छा, आप JSX के अंदर दो तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। नंबर वन, जब आप कोई डायरेक्ट JSX के अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, तो जैसे हमने नेम ऐड किया था, लेकिन अगर आप ये इस तरह से करें कि जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर आप यूज करें तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है, तो जो भी आपका बिल्ट इन टैग है उसके अंदर जो वैल्यू है वहां पर आप JSX के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, नंबर वन, ठीक है, नॉट इनसाइड द टैग इटसेल्फ। अच्छा, दूसरी चीज, आप उसको एज एन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं इक्वल साइन के बाद, ठीक है, तो जैसे सोर्स के अंदर हमने एवटार में यूज किया उसको, समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पर अगर मैं शो करूँ तो एक एग्जाम्पल क्या है कि हेडिंग के अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किया टू पास वैल्यूज और यहाँ पर टू रन अ फंक्शन, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि हम नेम यहाँ पे कॉल करें, ठीक है, दिस विल नॉट बी अलाउड। ओके, अच्छा, दूसरी चीज क्या थी कि जो आपका आपका जो ये है, एक सेकंड में एग्जांपल निकाल लूं, दिस वन, कि जो आपकी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू असाइन हो रही है दैट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द असाइनमेंट, ठीक है, तो दीज आर द टू प्लेसेस जहां पर आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, यूजिंग डबल कर्ली ब्रेसेस, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ये देख लिया कि स्ट्रिंग्स, नंबर्स और दूसरे जो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हैं वो हम पास कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में JSX के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। अच्छा, और ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से नोट करते हैं, राइट, कि एक जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है जनरली उसका ये स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स इस तरह से होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर यू हैव की एंड वैल्यू पेयर्स जो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट विद टू की वैल्यू पेयर्स। अच्छा, तो अगर आपको JSX के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है तो फिर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल कर्ली ब्रेसेस आप डबल कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेंगे, तो अगर आपने एक वैल्यू पास करनी है फॉर अ पर्सन विच इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो आप डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करके की वैल्यू पेयर्स पास कर लेंगे।
ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस. That's good enough. तो आप इसका चैलेंज भी ट्राई कर लें. तो यू शुड नो हाउ टू यूज कर्ली ब्रेसेस इनसाइड ऑफ अ जेएसएक्स मार्कअप. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज पासिंग प्रॉपर्टीज टू अ कंपोनेंट. अच्छा, रिएक्ट के अंदर हम प्रॉप्स यूज करते हैं ताकि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा पास कर सकें टू कम्युनिकेट, राइट. तो जो भी पेरेंट कंपोनेंट होता है वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स को इंफॉर्मेशन पास कर सकता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज. अच्छा, जैसे आप HTML के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, इसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स, रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स पास कर सकते हैं. ठीक है, और जब भी हम ये प्रॉप्स क्रिएट करते हैं इसके अंदर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू पास कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं, अरेज भी पास कर सकते हैं, इवन फंक्शंस भी पास कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी विल लर्न कि हम किस तरीके से प्रॉप्स पास कर सकते हैं टू अ कंपोनेंट, फिर हम वो प्रॉप्स रीड कैसे करेंगे इनसाइड द कंपोनेंट, फिर हम जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो प्रॉप्स की वो भी हम असाइन कर सकते हैं, एंड देन वी विल पास सम JSX टू अ कंपोनेंट, एंड फिर हम ये देखेंगे कि प्रॉप्स जो हैं वो चेंज कैसे हो सकती हैं. अच्छा, सो स्टार्टिंग विथ फैमिलियर प्रॉप्स जो आपको वैसे ही पता होंगे. तो नॉर्मली जब आप JSX यूज कर रहे होते हैं, यू हैव ऑलरेडी बिन यूजिंग प्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, ये जो इमेज टैग है इसके अंदर वी हैव बिन यूजिंग प्रॉप्स, जैसे कि क्लास नेम, सोर्स, एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज, राइट. और ये प्रॉपर्टीज से होता क्या है कि ये वैल्यूज जो हैं वो इमेज के कंपोनेंट को पास हो जाती हैं, जो उस वैल्यू को यूज करके इमेज आपको रेंडर करता है, राइट. अच्छा, जो इमेजेस को, जो इमेज टैग को आप प्रॉप्स पास करते हैं वो प्री डिफाइंड है रिएक्ट डॉम के अंदर, जो HTML का जो कोर जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है. जैसे कि इमेज में HTML के स्टैंडर्ड के हिसाब से यू नीड द सोर्स एंड द ऑल्ट टेक्स्ट, राइट. तो ये फॉलो करता है HTML स्टैंडर्ड को. तो रिएक्ट ने क्या किया कि उसके अंदर बिल्ड इन कर दिया ये वाले टैग्स. लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने कंपोनेंट्स को कोई भी प्रॉपर्टीज पास करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है, तो आप कस्टम प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं. अच्छा, तो अगर आप ये कोड देखें, ये प्रोफाइल कंपोनेंट है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं जा रही एवटार कंपोनेंट को. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्रोफाइल कंपोनेंट है एंड इट्स डायरेक्टली रिटर्निंग एवटार, और इसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही. सीधा सीधा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहा है विदाउट एनी नीड टू पास डेटा. ठीक है, अच्छा, अगर हम चाहें कि एवटार को कॉल करते वक्त इसको प्रॉपर्टीज पास करें तो हम वो इजीली कर सकते हैं. अच्छा, इसको हम यहाँ पर अगर करें इस तरह से, हमने प्रोफाइल का ऑलरेडी बनाया हुआ है कंपोनेंट एंड वी हैव द एवटार कंपोनेंट. अच्छा, एवटार कंपोनेंट आप देखें, इट इज डूइंग द सेम थिंग एज द प्रोफाइल कंपोनेंट. इमेज एंड इमेज एलिमेंट रिटर्न कर रहा है विद द ऑल्ट एंड द सोर्स. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस हम यहाँ पर एवटार रिटर्न कर देते हैं. ठीक है, एंड देन जो एवटार है, एवटार के अंदर हम जो भी वैल्यू है वो पास कर रहे हैं. सो लेट्स कॉल द प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल कंपोनेंट हियर, एंड मेक श्योर कर लेते हैं. ठीक है, सो हमारा प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल हो रहा है इन द मेन पेज. मेन पेज में प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल हुआ एंड इनसाइड द प्रोफाइल कंपोनेंट या द एवटार कंपोनेंट जो एक इमेज रिटर्न कर रहा है
using these values. ठीक है, अच्छा, so now we've set this up. अब हम क्या जा रहे हैं कि इसको हम पास कर रहे हैं प्रॉपर्टीज. अच्छा, तो हम जहां पर भी एवेटार कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं वहां पर हम प्रॉपर्टीज पास कर देते हैं. तो यहाँ पर देव पास दीज टू प्रॉपर्टीज, एक पर्सन और एक साइज. तो जो पर्सन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. तो ये देखें हम के डबल कर्ली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है. एंड देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज द साइज. अच्छा, सो लेट्स यूज दीज वैल्यूज जहां पर हम प्रोफाइल कंपोनेंट में एवेटार को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं. सो वी कैन कॉल पर्सन प्रॉपर्टी. अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप. अच्छा, अब क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वी आर गोइंग टू हैव टू डील विद सम टाइप स्क्रिप्ट इश्यूज. अच्छा, तो ये हमें कह रहा है कि ये आपका टाइप है पर्सन प्रॉपर्टी पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, राइट? सो वी नीड टू डिफाइन द टाइप. वी नीड टू एक्सेप्ट दीज प्रॉपर्टीज इन साइड द एवेटार प्रॉप्स पैरामीटर्स, राइट? सो हाउ विल वी डू इट? किसी को याद है टाइप स्क्रिप्ट का? वट नीड्स टू गो हियर? यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे, राइट? सो व्हाट आर द पैरामीटर्स जो हमें यहाँ पे चाहिए? वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स, पर्सन एंड साइज, राइट? सो पर्सन एंड साइज ऐसे होगा. अच्छा, और इसकी हम टाइप कैसे बताएंगे पर्सन की? ऐसे होगा, लाइक दिस. अच्छा, क्या ये स्ट्रिंग होना चाहिए? दिस शुड बी एन ऑब्जेक्ट, राइट? साइज तो नंबर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर आप देखें एरर क्या दे रहा है, द टाइप पर्सन इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कहा हुआ है ना, तो द स्ट्रिंग टाइप डजंट मैच, राइट? तो हमें इसको इस ऑब्जेक्ट को बताना होगा कि इसका टाइप क्या है. सो शुड बी डिफाइन अ टाइप. यहाँ पर हम टाइप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम इंटरफेस बनाए तो विल कॉल इट पर्सन, राइट? एंड देन इसके टाइप्स आ जाएंगे, राइट? यहाँ पर क्या होगा, पर्सन में क्या क्या टाइप्स आती हैं? Name and image, right? Name. Like this. And then यहाँ पर हम person call करेंगे, right? Kind of like this, right? So अब ये क्या कह रहा है? Property person does not exist on
P in caps, that won't solve it. Lowercase p hoga. अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आप देखें, फर्स्ट व्हाट इज द इशू, एरर क्या आ रहा है? एरर आप देखें, एरर में कह रहा है कि जो ये वाला टाइप है, टाइप लुक्स लाइक दिस, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप पर्सन, प्रॉपर्टी पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस टाइप. अच्छा तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी जो नेस्टिंग है ना, दैट इज कॉजिंग द इशू. सो वी हैव टू सॉल्व इट समहाउ. एनी आइडियाज? यासर का ट्राई कर लेते हैं. सो यासर इज सेइंग के यू नीड द इंटरफेस ऑफ द पर्सन एंड यू ऑल्सो नीड एन इंटरफेस ऑफ द प्रॉप्स, इज दैट राइट? Can anybody solve this issue? Who wants to solve it? अभी तक किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया. तो डीस्ट्रक्चरिंग इस तरह से तो नहीं होगी. सो यू हैव टू टेल मी सम अदर वे. कोई कह रहा टाइप्स रिमूव कर दें. इफ आई रिमूव द टाइप्स आई विल हैव द टाइप इशू. किसको कर्ली ब्रेसेस में करें? बोथ ऑफ देम लाइक दिस. यस सर.
Person does not exist on type person. Now you have a different issue. Person and size should be wrapped together. कहाँ पर? In the profile here or here? अच्छा अब ये कह रहे हैं. Like this. Okay, and then. अब इसको टाइप कैसे देंगे? Here. Like this. Does not exist on type person. Define type of size in interface. In what interface? In this interface. यहाँ पर size number like this. Okay, and then. Anybody figured out yet? Koi aana chahega live mein? देखें यहां पर वी हैव दिस होल प्रॉपर्टी. इसके अंदर वी हैव टू थिंग्स, द पर्सन एंड द साइज. पर्सन के अंदर वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद द की वैल्यू ऑफ नेम एंड इमेज आईडी. सही है. अच्छा नाउ वी वांट टू डिस्ट्रक्चर दिस होल थिंग फ्रॉम द प्रॉप्स, राइट. अब यहाँ पर हमने कह दिया कि दिस इज द प्रॉप टाइप. इसको हम कर देते हैं एवेटार, एवेटार टाइप लाइक दिस. अच्छा और इसके अंदर विल से कि यहाँ पर एक चीज आएगी पर्सन टाइप, पर्सन एंड द साइज, ठीक है. एंड देन हमारे पास एक और इंटरफेस होगा फॉर पर्सन, जिसके अंदर वी शुड हैव द नेम, राइट. क्या चीजें थी? नेम एंड इमेज आईडी, राइट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है. सो आप लोगों को आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की जरूरत है. मैं वेट कर रहा था कि यू नो इफ समबडी विल स्टेप अप, बट यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस दिस, राइट. अच्छा सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. अब आपके पास ये सारा डेटा आ गया. अच्छा नाउ लेट्स मेक श्योर इट्स वर्किंग, ठीक है. इट्स वर्किंग. अच्छा एंड नाउ हमने प्रॉप्स यूज करके, थ्रू द प्रॉप्स हमने एवेटार को पास कर दिया डेटा फॉर द पर्सन एंड द साइज. एंड देन एवेटार के अंदर हमने उसको गेट कर लिया, ठीक है. प्रॉप्स को हमने गेट कर लिया.
बट वी स्टिल हैव नॉट यूज्ड द डेटा जो हमने अभी प्रॉप्स के थ्रू पास किया. अच्छा तो हम इसको अब रीड करना चाहेंगे एंड देन वील यूज दोज वैल्यूज राइट. पर्सन और साइज को हमने अब यूज करना है इन साइड ऑफ हियर. तो अच्छा जो पर्सन है उसके अंदर हमारा नेम और इमेज आई डी है. सो इन साइड ऑफ आर यहाँ पर नेम इक्वल्स पर्सन ठीक है एंड देन पर्सन डॉट नेम एंड देन कॉन्स्ट. अच्छा जो एवेटार है ये जो वैल्यू आई है व्हाट इज दिस इमेज आईडी. ये इमेज आईडी आई गेस इधर प्लेस हो जाएगी राइट. सो वी कैन डू यहाँ पर हम इस तरह करते हैं इसको हम एक टेम्पलेट लिटरल बनाते हैं लाइक दिस एंड देन इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं विद द जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन और यहाँ पर हम करते हैं पर्सन डॉट इमेज आई डी ठीक है एंड देन डिस्क्रिप्शन के अंदर हम नेम पास कर देते हैं एंड सोर्स में हम एवेटार पास कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. डिड दैट वर्क. आई गेस दैट वर्क राइट. सो ये हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट कॉल हो गया. प्रोफाइल कंपोनेंट में हमने एवेटार कंपोनेंट कॉल किया है पासिंग दीज वैल्यूज एंड देन यहाँ पर हमने वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर किया फ्रॉम द प्रॉप्स. फिर हमने इसको वैल्यूज को पार्स आउट करके इमेज को कॉल कर लिया एंड देन व्हाट वी कैन डू इज साथ में व्हाट इफ वी डिड समथिंग लाइक दिस के इमेज से पहले हम हेडिंग में पर्सन डॉट नेम भी ऐड कर दें और वी डोंट नीड टू डू सिर्फ हम नेम कॉल कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट. Somehow हमारी जो इमेज है इट इज नॉट बीइंग अपडेटेड. सो हम प्रोफाइल प्रोफाइल फंक्शन तो एक ही हमारे पास दैट्स करेक्ट. फिर इसके अंदर वी हैव द एवेटार कंपोनेंट. एवेटार में ये हो क्या रहा है. लेट्स रीबिल्ड दिस थिंग. हम प्रोफाइल गलत वाला यूज कर रहे हैं. लेट्स कमेंट दिस आउट एंड इंपोर्ट प्रोफाइल. दैट्स व्हाई. ओके सो दैट्स व्हाई हम गैलरी वाला प्रोफाइल यूज कर रहे थे व्हिच इज व्हाई द इश्यू वाज देयर. अब इसको दोबारा से ले आते हैं. या सो देयर यू गो. तो अब हमारे पास वी हैव द नेम एंड द इमेज of the new person. ठीक है. सो इस तरह से हमने क्या किया है we've used the React properties to pass in dynamic values और उनको हमने फिर use कर लिया inside the avatar. ठीक है. So that is this. I think we're running out of time. तो हम यहाँ पर अभी pause कर लेंगे. We've completed the
प्रॉप सेक्शन ऑलमोस्ट, बल्कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर कर लेते हैं. सो इफ यू वांट टू गिव अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे? तो हमने जैसे साइज का भी एक वैल्यू हमने पास किया हुआ है उसके अंदर. व्हाट वी कैन डू इज अप्लाई द साइज. तो जब हम इमेज को कॉल करेंगे तो वी कैन यूज द साइज इन द स्टाइलिंग. तो इसने क्या किया है, इसने इन्होंने या तो जस्ट विड्थ एंड हाइट दिया ना. सो व्हाट वी कैन डू हियर, जब हम इमेज डिफाइन कर रहे हैं तो वी हैव द विड्थ, यहाँ पर हम जो हमारा साइज का वैल्यू है वो हम यूज कर सकते हैं. एंड देन हाइट एज वेल वी कैन डू साइज, सो समथिंग लाइक दिस. तो ये ऑलरेडी 100x100 होगा. सो इफ यू नो पास इन 500 फॉर एग्जांपल, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा. तो जो भी हम वैल्यू साइज की पास करेंगे दैट विल बी द वैल्यू एंड दैट विल बी यूज्ड. ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं, वी हैव सीन दैट. नाउ अगर हम डिफॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहें फॉर अ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, हियर हमने एवटार डिफाइन किया हुआ, तो व्हाट वी कैन से इज अगर अगर साइज हमें नहीं मिलता तो व्हाट वी कैन हैव इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लेट्स से मैं 500 करता हूँ ताकि विजिबल हो. तो ये क्या इसका मतलब होगा कि अगर जब भी हम प्रोफाइल से एवटार इमेज को कॉल करें, एवटार कंपोनेंट को, और उसमें हम साइज स्पेसिफाई नहीं करें, तो इन दिस केस अच्छा ये कहेगा कि साइज इज रिक्वायर्ड, तो हम साइज को ऑप्शनल कर लेते हैं. ठीक है, नाउ साइज इज ऑप्शनल. ठीक है, तो नो मोर एरर. तो अब क्योंकि हमने साइज पास नहीं किया है और हमने कहा है कि डिफॉल्ट साइज शुड बी 500, तो व्हाट विल हैव इज अ 500 साइज इमेज. अगर हम यहाँ पर पास करते हैं साइज, देन इट विल यूज दैट साइज. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ डिफॉल्ट वैल्यू डज, कि अगर आप पास नहीं करते प्रॉप तो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जगह पे यूज हो जाती है. फॉरवर्डिंग प्रॉप्स विद जेएसएक्स स्प्रेड सिंटैक्स. अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रिपीटेशन से बचने के लिए आप स्प्रेड सिंटैक्स यूज कर सकते हैं. अच्छा, तो हियर इन्होंने प्रोफाइल फंक्शन के अंदर देव पास्ड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज जो ऑलरेडी इसको डिस्ट्रक्चरिंग करके मिल रही हैं. अच्छा, सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज कि जो भी आपको प्रॉप्स में डेटा मिल रहा है यू कैन पास दैट लाइक दिस. अच्छा, ये किस तरीके से काम होगा कि फर्ज करें वी हैड एन ये वाला डेटा, एक्चुअली हम यहाँ पर पास कर ही नहीं रहे होते इफ वी वर यूजिंग इट हियर. तो अगर ये डेटा यहाँ से पास होता, ठीक है, देन व्हाट वुड हैपन कि यहाँ पर हम फिर इसकी प्रॉप्स को बताते कि वी हैव सम प्रॉपर्टीज हियर. अच्छा, और प्रॉप्स की जो भी टाइप होती है वो हम अगेन वी वुड हैव समथिंग लाइक दिस. तो वी हैव लाइक अ प्रोफाइल एंड देन पर्सन. ठीक है, एंड देन दिस वुड बी प्रोफाइल. तो इस तरह से हमारी टाइप क्रिएट हो जाती है. एंड देन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पासिंग इट लाइक दिस हम क्या करते कि वी वुड हैव अ स्प्रेड ऑपरेटर लाइक दिस. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डेटा मेन प्रोफाइल से पास हुआ
received here in the properties. फिर हमने उसको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू पास कर दिया इंस्टेड ऑफ ये कि हम पूरी प्रॉप्स एक एक करके यहाँ पर लिस्ट करते हैं एंड यू नो इट पासेस ऑल द वे थ्रू और यहाँ पर हमारे पास वी रिसीव इट एंड वी स्टिल यू नो रेंडर इट. तो इस तरह से आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके प्रॉप्स को कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू अ ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट. ठीक है सो यू कैन practice these using the challenges. Inshallah, in the next class, we'll continue from the conditional rendering section. Please practice the TypeScript. It is very important because सारा कोड आप TypeScript में यूज कर रहे होंगे. I'll share my code. इसको मैं GitHub पे push कर देता हूँ. ठीक है सो हियर इज द URL. github.com पे जा सकते हैं. आई विल पेस्ट दिस इन द चैट हियर एंड यू कैन हैव ऑल द कोड जो अभी तक हमने क्रिएट किया. ठीक है सो प्लीज प्रैक्टिस एंड प्लीज प्रैक्टिस टाइपस्क्रिप्ट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. थैंक यू एवरीबॉडी. फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे and we'll continue. Okay, Allah Hafiz.